नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो भारत के रक्षा तंत्र के बारे में है। ये टॉपिक पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो चीन और पाकिस्तान से चलते तनाव के कारण करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से UPSC PCS में इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करने से पहले एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है, NCC जो है नेशनल कैडेट कोर ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके। पहला जो है वो ए जो है वो गृह मंत्रालय, सेकेंड है शिक्षा मंत्रालय, थर्ड है रक्षा मंत्रालय, या फिर फोर्थ जो है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। इस जो प्रश्न है इसका उत्तर जो आपको आगे टॉपिक में ही मिल जाएगा जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो भारत का जो रक्षा तंत्र है वो उसका जो दायित्व है वो भारत सरकार के पास है, और हमारे संविधान के अनुसार सेंट्रल, स्टेट और कंट्रोल लिस्ट, 3 जो लिस्ट हैं इसके अकॉर्डिंग जो है उस अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज की बांटी गई हैं। तो जो डिफेंस है, यानी कि जो हमारे भारत का जो रक्षा का दायित्व है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी में इसका कोई रोल रहता है, क्योंकि इसमें ना ही कोई उनके पास पावर्स रहती हैं। अभी कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी स्टेट की पुलिस जो है वो बॉर्डर्स पर डिप्लॉयड है, या किस तरह के एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में उनको डिप्लॉय किया जाता है। तो अब जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो सबसे पहले तो तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशनल डिफेंस रेस्ट विद द कैबिनेट, यानी कि जो भी निर्णय है एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में वो जो भारत सरकार की कैबिनेट है वो लेती है। और भारत सरकार में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यानी कि रक्षा मंत्रालय, वो ही सारे जो हमारे डिफेंस है उसकी देख रेख की जिम्मेवारी संभालती है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो हेड करते हैं वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, जो प्रेजेंटली हमारे श्री राजनाथ सिंह जी हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें, तो एक स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम शुरुआत करते हैं, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1776 में, उन्होंने सबसे पहले एक मिलिट्री डिपार्टमेंट जो था वो इस्टेब्लिश किया था, और उसका कुछ ज़्यादा उतना काम होता नहीं था। उसका काम एक सोल्जर की लिस्ट जो है वो मेंटेन करना होता था। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम नए नए एक्ट्स आते गए और इस डिपार्टमेंट को जो है अलग अलग पावर्स जो हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है वो चेंज होता गया। 1833 में उसके बाद चार्टर एक्ट आया, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 4 मेजर डिपार्टमेंट्स बनाए। उसमें एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी था और उसको जो हेड था वो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट करता था। उसके बाद 1895 में जो 4 प्रेसिडेंसीज थी उसको कंसोलिडेट किया गया, उनकी 4 आर्मीज को, और एक कॉमन आर्मी बनाई गई जिसको फिर इंडियन आर्मी के नाम से जानने लगे। फिर उसका आगे स्ट्रक्चर फिर चेंज किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 4 कमांड्स में बांटा गया, पंजाब, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। उसी तरह आगे चेंजेस इसमें आते रहे। उसके बाद 1895, 1906, 1909, 1938, और जब देश जो है आज़ाद हुआ 1947 में, तो इस मिलिट्री डिपार्टमेंट को एक मिनिस्ट्री में तब्दील कर दिया गया, यानी कि अब जो प्रेजेंट हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो 1947 में इस्टेब्लिश हुई। तो अब जो आगे का जो हमारा टॉपिक है, अब रियली यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली, तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप से शुरू करते हैं। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसके अंदर 5 मेजर डिपार्टमेंट्स आते हैं। इसमें पहले जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, सेकंड जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फोर्थ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर, एंड द फिफ्थ इज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो मेन काम है वो डिफेंस पॉलिसी बनाना है, उसके अलावा जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनसे डील करना है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनके साथ काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। उसमें आ जाती हैं आपकी जिस तरह से डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, कोस्ट गार्ड, नेशनल क्रेडिट कोर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज, यानी कि इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर डिफेंस की जो है वो पढ़ाई की जाती है। तो इसमें आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा कि NCC जो है वो
डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। तो राइट आंसर इज सी। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का काम डिफेंस बजट, डिफेंस लैंड्स और कंटोनमेंट एरियाज जो होते हैं उनकी मैनेजमेंट करना है, और उसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन विद फॉरेन कंट्रीज, उसमें आपका ये आ गया जैसे हमारी इंटरनेशनल लेवल पे मित्र राष्ट्रों के साथ जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसको सारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस देखता है। हमारी सालाना कई मित्र राष्ट्रों से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कभी हमारे जो आर्म फोर्सेज पर्सनल उनके एरिया में जाते हैं, कई बार उनको यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है जिससे कि इन केस अगर वार की स्थिति में कोई मित्र राष्ट्र जो है वो अगर मदद के लिए करना चाहे या हम किसी मित्र राष्ट्र की मदद करना चाहें तो उस टाइम हमारे जो कोऑर्डिनेशन जो है वो कभी खराब ना हो। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस रहता है और ये हम बहुत सारे अपने मित्र राष्ट्र जिस तरह के रूस हो गया, फ्रांस, अमेरिका, इन सब के साथ सालाना ये एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये सब जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस देखता है। उसके बाद सेकंड जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अगर जो एक आम भाषा में समझा जाए तो अभी अनुसंधान जो हमारा होता है या सिविल में है या फिर डिफेंस में, अगर कोई डिफेंस के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसकी बेस्ट एग्जांपल एक ही है इंसास राइफल जो है वो हमारी अपनी जो है डोमेस्टिक रिसर्च से बनी हुई एक राइफल है, लेकिन वो सिर्फ एक बनाने का हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्चर है ऑर्गेनाइजेशन है जैसे DRDO है या कोई भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस के लिए काम कर रही है वो एक सिंगल जो है वो प्रोडक्ट तैयार कर देती है, लेकिन उसको एक मास स्केल पे प्रोडक्शन करना वो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का जो है वो काम है। जो थर्ड डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट जो पिछले 6-7 महीने इसमें इसका काफी ज्यादा करंट अफेयर में रोल रहा है और पहले भी रहता है लेकिन आजकल जो है काफी ज्यादा न्यूज में है, तो पहले थोड़ा इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ लेते हैं। तो मेन फंक्शन जो है इसका जो सेकंड पॉइंट है इसमें मेंशन किया हुआ है, इट्स फंक्शन इज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड लॉजिस्टिक्स एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लान्स फॉर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द सर्विसेज। यानी कि इसमें इस डिपार्टमेंट का जो काम है वो भारत सरकार को साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में एडवाइस करना है और जो हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तीनों जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनकी जरूरत के अनुसार उस तरह के उनको रिसर्च करके जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करना है। तो DRDO जो है वो 1958 में जो है वो बनाया गया था और इसमें उस टाइम जो है वो 10 लेबोरेटरीज थी, लेकिन अभी जो प्रेजेंटली है इसका काफी वास्ट नेटवर्क है। अभी प्रेजेंटली इसकी 50 लेबोरेटरीज हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है डिफेंस के उसमें काम कर रही है। खाली हथियारों पे या मिसाइल्स पे ही काम नहीं करती, इसके अलावा जो भी हमारे माउंटेन वारफेयर में दिक्कतें आती हैं या फिर जो व्हीकल्स हैं या उनकी खुराक है हमारे सैनिकों की, उसमें हर तरह का जो है वो रिसर्च किया जाता है और उनको अच्छी से अच्छी जो है वो सर्विसेज देने के लिए जो है वो रिसर्च जो है DRDO वो करता है। अभी पिछले 3-4 महीनों में जब चीन के साथ हमारा काफी तनाव चल रहा था तो DRDO ने पिछले 3-4 महीनों में 12 मिसाइल्स जो हैं वो टेस्ट कर दिए थे, जिससे चाइना पे काफी प्रेशर भी बना था। उससे ये क्लियर होता है कि हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा एडवांस है और कोई भी ऐसा जो देश है जिसके पास इतनी अच्छी मिसाइल टेक्नोलॉजी हो उसे लड़ने से रिफ्रेन ही करेगा और इससे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर भी और एक तरह का प्रेशर भी क्रिएट होने में हेल्प होती है। तो ये आगे जो आपके सामने आ गया ये किस तरह से ये जो हमारा DRDO डिपार्टमेंट है ये कैसे कोऑर्डिनेट करता है प्राइवेट इंडस्ट्रीज और अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, ये जो पिक्चर है ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो साइट है उसमें एनुअल रिपोर्ट जो वो छापते हैं वहां से उठाई है, ये आपको काफी ज्यादा क्लियर कर देगी कि किस तरह से ये DRDO जो है हमारा काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थ जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर है। इस डिपार्टमेंट का जो काम है वो हमारे जो सैनिक हैं तीनों फोर्सेज के आफ्टर रिटायरमेंट जो है उनका रीसेटलमेंट, वेलफेयर और पेंशनरी जो इशू रहते हैं उनको देखना इस डिपार्टमेंट का काम है। तो ये डिपार्टमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्मल जो सिविल सर्विस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी लंबी होती है, यानी कि 58 अराउंड 60 ईयर्स तक लोग जो है वो सर्व कर पाते हैं, लेकिन जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं इसमें नॉर्मली 35-37 ईयर्स में जो है नॉर्मल सोल्जर जो है वो रिटायर आ जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो मिलिट्री के जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं वो फिटनेस के वो मेंटेन करना उनका एक वो रहता है, तो इसलिए आफ्टर रिटायरमेंट उनका पेंशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। तो रीसेटलमेंट जो है सर्विसमैन की वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इशू रहता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है वो
इन चीजों से जो है वो डील करता है। नेक्स्ट और जो लास्ट है हमारा वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है। ये डिपार्टमेंट जो है ये तीनों सेनाओं से जो है वो डील करता है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, और ये मिलिट्री ऑपरेशंस जो है उनको सारा उनकी देखरेख जो है वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर होती है। उसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी, ज्वाइंटनेस ऑफ द थ्री कमांड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये लाइन है, ज्वाइंटनेस ऑफ थ्री कमांड्स, बिकॉज जो भी हमारे जो बड़े राष्ट्र हैं दुनिया में जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ये थिएटर कमांड की तरफ जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं। थिएटर कमांड मीन्स कि तीनों जो हमारी फोर्सेज रहती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में। जो थिएटर जो वर्ड है ये यहीं से लाया गया है, क्योंकि थिएटर का मीन्स कि जो बैटल फील्ड होगी उसमें तीनों जो फोर्सेज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर सके। तो जो अभी हमारी डिफेंस पॉलिसी है उसमें भी ये थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे जो इस डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस है वो आगे काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड जो आपके सामने है, ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो एनुअल रिपोर्ट आती है उससे ये उठाई है। इसमें ये देखिए आप क्लियरली जो डिपार्टमेंट वाइज जो एलोकेशन है फंड्स की वो करी गई है ईयर वाइज। तो इसमें देखिए आर्मी जो है वो सबसे ज्यादा जो चंक है जो बजट एलोकेशन का वो आर्मी के ऊपर एलोकेट किया गया है, जिसमें देखिए आप 1,66,369 करोड़ का जो बजट है वो आर्मी को दिया गया है। सेकंड नंबर पे जो एयरफोर्स है 68,948, और थर्ड पे नेवी है 45,368 से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसको सिर्फ 19,021 करोड़ दिया गया, जो कि एक बहुत ही कम अमाउंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इतना ज्यादा ना ही एडवांस्ड है ना ही इसमें इतनी ज्यादा एलोकेशन की गई है। और अगर आप इस कंपैरिजन में किसी डेवलप्ड नेशन को देखेंगे तो इस जो डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा एलोकेशन की जाती है, जिससे कि उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे ऊपर डिप्लोमेट्स हैं, गवर्नमेंट है, वो अच्छी तरह से जानती है कि किस डिपार्टमेंट में ज्यादा एलोकेशन करनी है और किसमें नहीं, वो तो ज्यादा अच्छे से वही बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड, ये सेम जो डाटा है इसको परसेंटेज टर्म में दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आर्मी जो है वो 55% ऑफ द टोटल एलोकेटेड बजट जो है वो इंडियन आर्मी को एलोकेट किया गया है। सेकेंड नंबर पे एयरफोर्स है और थर्ड नंबर पे नेवी। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है इंडियन कोस्ट गार्ड्स, ये स्लाइड मैंने इसलिए इसमें डाली है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज में क्या डिफरेंस रहता है। ये आपको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्म फोर्सेज जो होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसमें आपने चार पांच जो मेजर हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ आपको। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आ गई, सेकेंड नंबर पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्स आ गई, थर्ड पे ITBP इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, फोर्थ पे आपका जो है आसाम राइफल्स वगैरह जो आ गए। तो इस तरह से ये जो चार पांच हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनका जो काम है वो आर्म फोर्सेज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये सिर्फ जो है हमारे इंटरनल डिस्टर्बेंसेज के केस में काम आती है, या कोई दंगे हो गए या कोई इंटरनल कोई हमारा इशू क्रिएट हो गया तो उनसे लड़ने के लिए काम आती है। और सेकंड जो है इनको बॉर्डर को गार्ड करने के काम आती है, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है, सशस्त्र सीमा बल है, ये जो है अलग अलग इनको दायित्व दिए गए हैं। जैसे BSF जो है वो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो देखती है, उसी तरह इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस जो है वो इंडो चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय रहती है। इनका काम तब तक होता है जब तक बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, अगर जब एक्सटर्नल अग्रेशन जब आ जाती है, किस तरह की लड़ाई छिड़ जाती है, तो इनको रिप्लेस जो है वो आर्म फोर्सेज कर देती हैं, और आर्म फोर्सेज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में रहता है। तो कोस्ट गार्ड के केस में जो है ये काम वही करती है जो BSF करती है, जो BSF हमारे लैंड बॉर्डर्स को गार्ड करती है और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है हमारे सी बॉर्डर्स को गार्ड करती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है वो आती है, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो एक ये जो है इन बिटवीन हम कह सकते हैं, है तो ये सिक्योरिटी फोर्स है लेकिन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड को जो इंट्रोड्यूस किया था। और इस जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी कि जब
11 सितंबर का जो बॉम्बे से जो टेररिस्ट ने हमला किया था, तो उसमें उसके बाद जो है इसको काफी ज्यादा इक्विप्ड किया गया और उस पर ज्यादा एलोकेशन भी की गई फंड की, कि आने वाले टाइम में इस तरह का दोबारा जो है कोई हमला सी रूट से ना हो पाए। तो अब जो नेक्स्ट हमारी ये इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं इनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। ये इसमें काफी आपको डिपार्टमेंट्स जो है सुने सुने से लगेंगे, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES, ये आपने कई बार सुना होगा, ये आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस, ये जो है कोर भी है आर्मी में, जो आर्म फोर्सेज का सारा जो है वो मेडिकल का और जो हॉस्पिटल जो है वो ये रेगुलेट करती है। इसका जो एक कॉलेज है वो भी काफी रेपुटेटेड है, AFMC नाम से जो कॉलेज है। तो इस तरह से बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी आप पढ़ सकते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं, इसमें ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका आप नाम और प्लेस जो है वो याद कर सकते हैं, कभी एग्जाम में आपको ये पूछा भी जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जो डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो 5-6 किस्म के जो एंट्रीज हैं वो आपको डिफेंस में एंट्री के लिए हेल्प कर सकती हैं। उसमें CDS का जो एग्जाम है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसमें तीनों सर्विसेज के लिए कॉमन एक एग्जाम होता है और उसके बाद एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू 4 या 5 दिन का वो प्रोसीजर होता है, उसमें आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई डिफेंस रिसर्च में जाना चाहता है तो उसके लिए अलग से डिग्रीज ऑफर करते हैं कि यूनिवर्सिटीज, जैसे डिफेंस स्टडीज में MA, इस तरह से आपको काफी जो है वो एवेन्यूज जो डिफेंस रिलेटेड जो उसमें अपना कैरियर देखना चाहते हैं। और अगर आपको ज्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको जानकारी जो है वो जरूर दूंगा, और इसका जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और नेक्स्ट जो है मेरा वीडियो जो है वो मैं अगर आप पसंद करेंगे तो जरूर डालूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो